गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, सौमिक विद्यालय किला पाड़ी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम निबंध लेखन में वर्षा ऋतु के बारे में देखते हैं। तो हमारे देश में मुख्य ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। हमारे देश में ऋतुओं मुख्य ऋतुओं में कौन सी ऋतु है? तो वर्षा ऋतु एक है। वह सॉरी यह ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों की पसंदीदा होती है। जो एक ऐसी ऋतु है, यानी कि वर्षा ऋतु ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों की पसंदीदा, यानी कि पसंदीदा होती है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी के बाद ये राहत का एहसास लेकर आती है। झुलसा देने वाली की यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी के बाद ये राहत का एहसास लेकर वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होती है। वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होती है, अर्थात सावन भादो के महीनों में होती है। वह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी एवं महत्वपूर्ण है। वह जुलाई से शुरू होती है और सावन भादो के महीनों में होती है। यह मौसम भारतीय किसानों के जीवन सॉरी भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी एवं महत्वपूर्ण है। तो जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, तब वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छा जाते हैं, वे गरजते हैं और सुंदर लगते हैं। बादल क्या करते हैं? बादल गरजते हैं, वे गरजते हुए सुंदर लगते हैं। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है। हरियाली छा जाती है, इसलिए हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। वृक्षों पे जो नए पत्ते हैं वो फिर से निकलने लगते हैं। वास्तव में वर्षा ऋतु किसानों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। वास्तव में वर्षा ऋतु क्या है? तो किसानों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। वर्षा ऋतु में जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। वर्षा के कारण वर्षा ऋतु में जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। ये हर एक के लिए शुभ मौसम होती है। वर्षा ऋतु हर एक के लिए यानी कि सभी लोगों के लिए शुभ मौसम होती है और सभी इसमें खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। तो सभी लोग उसमें खुशी के साथ यानी कि वर्षा ऋतु में खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति के स्रोत जैसे कि नदियां, ताले, तालाबे, गड्ढे आदि पानी से भर जाते हैं। सड़कें और खेल का मैदान भी पानी से भर जाता है। क्या होता है? वर्षा होने पर प्रकृति के स्रोत नदियां, ताले, तालाबे, गड्ढे आदि पानी से भर जाते हैं। सड़कें और खेल का मैदान भी पानी से भर जाता है और मिट्टी कीचड़ युक्त हो जाती है। मिट्टी कैसे हो जाती है? मिट्टी कीचड़ युक्त हो जाती है। वर्षा ऋतु में ढेर सारे फायदे और नुकसान होते हैं। वर्षा ऋतु में कई सारी बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। वर्षा ऋतु में कई फायदे और नुकसान भी होते हैं और वर्षा ऋतु में कई बीमारियों फैलने का डर भी बना रहता है। आम जीवन में वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व है। यदि बारिश शुरू से ज्यादा हो तो सब लोग का बहुत नुकसान होता है। यानी कि किसानों का और बाकी सबका बहुत सारा नुकसान होता है। किसान की फसलें न होती हैं, किसान की फसलें पकती नहीं है, खेती में बहुत सारा नुकसान होता है। किसानों को खेती में बहुत ही सारा बारिश ज्यादा होने पर नुकसान होता है और वर्षा न होने हो या तो फिर बारिश कम आ जाए तो भी बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए हमारे जीवन में वर्षा ऋतु का महत्व बताया गया है। तो हमारे जीवन में वर्षा का बहुत ही महत्व है। तो बच्चों, आप वर्षा ऋतु में
इस निबंध में दूसरे सेंटेंस भी ऐड करके लिख सकते हो। तो बच्चों आपको ये हिंदी की निबंध की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।